आज शहर में बड़ी अदालत लगेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में दो रुकनी बेंच अहम मुकदमात की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में करेगा। दो रुकनी बेंच फौजदारी मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। मुकदमात की कॉल लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नाजायज असासाजात का मामला साबिक DGLDA आहद चीमा के खिलाफ मुकदमे पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत ने गवाहान को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर रखा है। आहद चीमा पर अरबों रुपए के नाजायज असासे और फैमिली मेम्बरान के नाम बेनामी जायदादें बनाने का इल्जाम है। नैब का मौकर। नौकरी पक्की करो, तनख्वाहें भी बढ़ाओ। वापडा पैगाम यूनियन का वापडा हाउस के सामने धरना तीसरे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। भारत ने दो पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। बहावलनगर के मोहम्मद शरीफ और कराची के मोहम्मद हनीफ वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले। पंजाब गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले 2000 से ज्यादा खिलाड़ी 185 मुकाबलों में शरीक। पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, बॉडी बिल्डिंग और कबड्डी के मुकाबले। नेशनल पार्क जिम्नेजियम में टेबल टेनिस, कराटे और बैडमिंटन का खेल। और फन कवाली को नई जहतों से रोशनास कराने वाले गुलाम फरीद साबरी की आज 25वीं बरसी। साबरी बरादरान की पड़ी हुई कवालियां, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, ताजदार हरम और बर्दे झोली मेरी रिकॉर्ड शोहरत कमाई। गुलाम फरीद साबरी को 1978 में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।